वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फ्राई पोटैटो की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये हाफ के जी पोटैटो है और एक अदद प्याज है, लहसुन अदरक टमाटर, ये हमारे पास गार्निश के लिए धनिया और पुदीना है। अब इसमें हमने ऑयल डाल दिया है और अब इसमें हम पहले अपना थोड़ा सा मसाले को फ्राई करते हैं। थोड़े डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊंगी पोटैटो, आप भी इस तरीके से बनाना आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद हम अपने आलू फ्राई करेंगे और उसमें फिर वो मसाला ऐड करके और बाकी मसाला ज़्यादा डाल के आपको दिखाती हूँ। ये प्याज हमारे हो चुका है, अब इसमें हम ये अपना ये लहसुन अदरक ऐड करते हैं और फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसको बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसको पोटैटो की ये रेसिपी खाना और हमने ग्राइंड किया बताना कि आपको ये कैसे लगती है रेसिपी। ये मैंने एक स्पून सॉल्ट लिया है और 1 टीस्पून हल्दी है और उसको जीरा है और एक क्रश चिली है। ये मेरे पास आप दूसरी भी ऐड कर सकते हैं और इसको अभी हम ऐड करते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। ये है हमारी फाइनल लुक। अब हमारे पोटैटो बन चुके हैं, ये देखो कितने अच्छे तरीके से गल भी चुके हैं। और अब मैं आपको डिश आउट करते और ऊपर गार्निश करते दिखाती हूँ। और इसमें मैंने ब्लैक पेपर वो मसाले के साथ ही ऐड कर दिया था। ये देखिए, ये चटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। ये है हमारी फाइनल लुक और इसको मैंने अच्छे तरीके से गार्निश किया है। अब बच्चे टेस्ट करके बताते हैं आपको ये कैसी लगी आज की रेसिपी। और आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्त रिश्तेदारों को। ओके, अब बच्चे आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। अब मैं इसके अंदर आपको डालते दिखाती हूँ और अब मैं टेस्ट करूँगी। फ्रेंड्स, सो यमी, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया, गल भी गए। मैं इसको 10 में से 9 पॉइंट दूंगी, मुझे अच्छे लगे हैं। आप भी हमारी जैसी रेसिपी बनाना और खा के बताना, कमेंट में करके हमें बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मामा ने बहुत अच्छा सालन बनाया है, आप इसको राइस और चपाती के साथ भी इंजॉय करें। और कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।